हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ठोकर खा के आदमी सीखता है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है इसमें, क्योंकि विषम परिस्थिति से हम भी बाहर निकले हैं। मोशन ने बहुत संघर्ष करा है, उसकी टीम ने बहुत संघर्ष करा है, हम भी नॉर्मल फैमिली से आते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ठोकर खा के सीखते हैं, बात सच्चाई है, पर ऐसी ठोकर मत खाइए जो आपके आजू बाजू सबने खाई है। हमें दूसरों की ठोकर से सीखना, जो गलती आज इसने करी आज आप दोहराओगे, या जो गलती मैंने करी वो आप दोहराओगे, तो फिर हमारे से पढ़ने का या सुनने का कोई फायदा? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूं ऐसी गलती लाइए जो किसी, ऐसी ठोकर खाइए जो किसी ने खाई ना हो, तब तो फायदा है। क्या बात है, अगर आपके आजू बाजू, आज हम बिजनेस कर रहे हैं या हम कोचिंग चला रहे हैं या हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम भी सोचते हैं क्या हमें कोई भी दूसरा व्यक्ति को कुछ अच्छा कर रहा है, क्या हमें उसे ग्रहण करना चाहिए? हाँ, हमारी खुद की बातों से भी हमें सीखना चाहिए, और जो दूसरों ने गलतियां करी है वो हमें दोहरानी। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बताऊंगा, दो मिनट लेता हूँ सर, बताता हूँ प्लीज सर, ये तो इससे क्योंकि मैंने खुद ने भी आईआईटी की तैयारी करी। मैं नॉर्मल सी बात है, मुझे बहुत डर लगता था, मेरी माता जी बैठी हुई जानती है कि मैं एग्जाम के पहले मुझे बहुत डर लगता था, बहुत लोग इस बात को जानते हैं। अच्छा, मेरी कमी थी, मुझे डर लगता था कि मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगती थी, बहुतों के होता होगा। मैं आईआईटी जेई स्क्रीनिंग देने के, आप मान लो सुबह 9 बजे एग्जाम है, सुबह 6:30 बजे मैं उल्टी कर रहा हूँ, क्योंकि डर लगता है, दैट इज एंग्जाइटी, जस्ट ऑन नाउ। ऐसा कईयों के साथ होता है, मुझे बहुत होता था ऐसा। अच्छा, फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप चले जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में आप चले जाओ, जितनी भी लड़कियां चश्मे लगाए हुए एग्जामिनेशन हॉल में लगती थी, मुझे लगती थी यही सब सेलेक्ट होंगी। अपना नंबर। अच्छा, पर एग्जामिनेशन में पेपर ऊपर करते हैं, अच्छा ये डर पहले से होता है 10वीं 12वीं के बोर्ड में। अपने जैसे लड़के जो होते हैं ना, वो तो लिखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अपनी आधी कॉपी नहीं भरी होती तब कोई लड़की कहती है सप्लीमेंट्री, अरे मैंने हमारी तो कॉपी नहीं भरी आधी अभी, ये डर तब का है, पहले घंटे में भी कॉपी। अच्छा, मुझे बहुत डर लगता था। अब एग्जामिनेशन में जब हम सर ऊपर करते हैं तो हमें लगता है यार सारे बच्चे पेपर कर रहे हैं, मुझे ही कुछ नहीं आ रहा। हम ये नहीं सोचते कि जब उसने सर ऊपर करा था तब हम भी तो पेपर कर रहे थे। यस और नो? मैं एग्जामिनेशन की बात आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मैं फादर मुझे जयपुर लेके गए, एडवांस का पेपर था, एडवांस का पेपर हुआ। हमारे टाइम पर आईआईटी के पेपर में 2-2 घंटे के स्लॉट में पेपर होता है, पहले मैथ्स होती है, फिर फिजिक्स होती है, फिर केमिस्ट्री होती है, दो सबसे पहले मैथ्स का पेपर था। अच्छा, मेरे को वैसे ही बहुत डर लगता था, अजीब गरीब बच्चे देखकर, तो मैं चला गया 2 घंटे पेपर, सबसे पहला मैथ्स का, मैथ्स के पेपर में जाके बैठा, सबसे पहले 2 सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, मैथ्स के बच्चे नहीं पर आप बात समझ सकते हो, 2 सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उसकी पीछे की कहानी भी मैं आपको सुनाता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, मैं रफ्तार में सुन पाओगे मेरे को, क्या समझ पाओगे, पर पॉइंट तक आपको ले जाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पढ़ाया गया था, जब सबसे पहले पढ़ाया गया था मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, पर मैंने एक ही गलती करी कि मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए और शीट के आंसर सॉल्यूशन मेंटेन नहीं करे। जब रिवीजन करने की बारी आई तो मुझे कुछ पता नहीं पड़ा, मैंने दूसरी कोई किताब खरीदी, दूसरी किताब करके उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद मेरा सब कुछ पूरा चैप्टर खराब हो गया जो मुझे पहले बहुत अच्छे से आता था। सीख ये है कि जो भी चैप्टर पढ़े क्या उसके नोट्स और सॉल्यूशन क्या हैंड रिटन होने चाहिए? आपका नोट्स ही आपको रिवीजन कराओगे तभी आपको फायदा होगा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबसे पहले पढ़ाया गया था मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, पर मेरे को आखिरी आते आते वो बेकार हो गया। और विश्वास मानो ईश्वर की इतनी कृपा कि पहले 2 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर के ही आए, एग्जामिनेशन में पहले 2 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर किया है। अच्छा, मेरे आगे एक लड़का बैठा, अच्छा एग्जामिनेशन में वो पता नहीं था पेपर टफ है कि आसान है, पता होता है क्या? ये तो बाहर जाके पता पड़ता है कि टफ था कि आसान था, जब सब लोग बोलते थे तेरे को भी नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब मेरे आगे एक लड़का बैठा, मेरे को 2 सवाल नहीं आ रहे, आंखों के आगे अंधकार छा गया, मुझे लग रहा है बीएससी करूंगा फिर एमएससी कर लूंगा। अच्छा, एक लड़का आगे बैठा है वो हर 5 मिनट में कर रहा है यस। विश्वास मानो आपके आगे बैठा हुआ एग्जामिनेशन में बच्चा अगर हर 5 मिनट में करे तो आपके प्राण निकल जाते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये हंसाने वाली कोई बात नहीं, सच्चाई में हुआ। फिर मैंने अपने अपने माँ बाप को याद करा, ईश्वर को याद करा, मैंने कहा चलो जो है वो कर ही लेते हैं। फिर मैं जब मैथ्स का पेपर देके बाहर आया तो मुझे सबने बोला कि यार पेपर बहुत टफ था, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जामिनेशन के दौरान जब आपके तो स्लॉट्स में नहीं होते, पर अगर स्लॉट में पेपर हो तो एग्जामिनेशन के बाद डराने वाले हमें बहुत लोग होते हैं कि पेपर टफ था, अच्छा तेरे से ये भी नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं उनसे डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं डरना, बल्कि अपन जैसे कैसा भी पेपर जाए जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे तो यही बोलते हुए निकलना मेरे तो 720 में 720 आएंगे। तो आप ये समझ लो आप अपना एम्स में कॉम्पिटिशन आधा कर लोगे, क्योंकि यार ये कोई पेपर था, पेपर की कोई क्वालिटी नहीं थी, मेरे तो 720 में 720 आएंगे। तो जिसके बेचारे के 600 आ रहे होंगे वो सोचेगा मैंने एम्स का पेपर नहीं देना, तो कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। और कोई ऐसा बोलते हुए सुन लो किसी बच्चे को तो याद रखना वो मेरे से मिलके आया, इसलिए घबराने की आवश्यकता।